मेरा नाम है अबराज और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में जानना हम सभी हिंदुस्तानी वासियों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और वो विषय है वेस्ट, यानी कि ई वेस्टेज के बारे में। आपने तमाम तरह के वेस्टेजों के बारे में सुना होगा, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, जो हम रोजमर्रा के जीवन में हमारे जो नॉर्मल वेस्टेज होती है, सूखा गीला कचरा, ये सब जो हम घर से निकालते हैं, इन सब वेस्टेज के बारे में तो आपने आए दिन अखबारों में, हमारी सरकार जो कई सारे एडवर्टीजमेंट्स लाती है उसमें सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ई वेस्टेज के बारे में सुना है? आज हम आपको बताते हैं ई वेस्टेज के बारे में। सबसे पहले ये जानना होगा आपको ई वेस्टेज होता क्या है। हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर्स या फिर टेलीविजन, जो भी आप यूज करते हैं अपने घर के हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, उनकी एक लिमिट मात्रा होती है कि इस समय तक वो खराब हो जाते हैं, और वो मात्रा कुछ 10 साल 20 साल या 15 साल इतनी ही होती है, लेकिन उसके बाद उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का क्या होता है? आप कहेंगे कि आप उनको रिसाइकल करते हैं या फिर किसी को कबाड़ वाले को बेच देते हैं, लेकिन वो कबाड़ वाला भी उनको कहीं ना कहीं फेंकता है, और उस वेस्ट से जो भी हमारे आसपास के वातावरण के अंदर अशुद्धियां आती हैं, जिनकी वजह से हमारे उनको फिर बाद में डिकम्पोज किया जाता है, और डिकम्पोज करने का एक अवैज्ञानिक तरीका है उनको जलाना। जब उनको जलाया जाता है तो उनके अंदर से काफी हानिकारक ऐसी गैसेस निकलती हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन्स बेस्ड, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब बात करते हैं किस तरह से वो हानिकारक होती है हमारे सेहत के लिए। तो जब हम इनको ई वेस्टेज, जो भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनको फेंकने के बाद हम उसको डिकम्पोज करते हैं, और वो भी अवैज्ञानिक तरीके से, तो उसके अंदर से काफी सारी जहरीली गैसेस निकलती है। उनमें से कुछ गैसेस हैं जैसे डाइबेंजो डाइऑक्सीजन और न्यूट्रो ऑक्सीजन, जो न्यूरोटॉक्सिक वेस्ट निकलता है, गैस निकलती है, जो कि हमारे सेहत के लिए काफी हानि पहुंचाती है। अब बात करें कि किस तरह से हमें ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो ये हमारे शरीर के तो विकास रोकती है, हमारे दिमागी संतुलन हमें बिगाड़ सकती है, और कई सारे ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकती है हमारी बॉडी। तो ई वेस्टेज को जब हम डिकम्पोज करते हैं, यानी कि इसको यूज करने के बाद जब ये किसी काम का नहीं रहता, तो हम सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसको डिकम्पोज कैसे किया जाए। तो आम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहली बात करते हैं अवैज्ञानिक तरीके से इसको डिकम्पोज करना, जिसमें इसको जला दिया जाता है। अब जलाने से इसमें काफी सारी हानिकारक जहरीली गैसेस निकलती हैं, जिनकी वजह से हमारी सेहत जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो उन गैसेस का नाम है, एक तो डाइबेंजोन डाइऑक्सीजन, और दूसरी न्यूरोटॉक्सिन्स, काफी सारी गैसेस निकलती है जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है, हमारे अंदर का स्वास्थ्य जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, हमारा जो विकास होता है, विकासशील जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो रुक जाता है, हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ने का चांसेस होते हैं, हमारा सांस लेने के अंदर में प्रॉब्लम हो सकती है, और जब ये जलाया जाता है तो इसकी गैसेस जो वातावरण में फैलती है वो भी हमारे लिए काफी हानिकारक होती है। अब ये थे इनके हानिकारक परिणाम, लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे भारत के अंदर कितना ज्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। हर साल हमारे देश के अंदर 2 मिलियन टन, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि अगर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर 200 मिलियन या 500 मिलियन के बीच में पूरा ई वेस्टेज के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको निकाला जाता है, और वहीं सिर्फ इंडिया के अंदर 2 मिलियन होता है। तो अगर बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में 500 टन से 200 टन के बीच में हर साल ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन बात करें हमारे भारत की, तो सिर्फ भारत के अंदर, भारत हमारा पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, आपको मैं बता दूं कि जहां से ई वेस्टेज सबसे ज्यादा निकला जाता है, और इंडिया में करीबन 2 मिलियन ई वेस्ट हर साल प्रोड्यूस होता है, जिसमें से अगर बात करें यहाँ के स्टेट वाइज की, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है मुंबई, जिसमें हर साल 11,017.1 मिलियन टन जो ई वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है, और इसमें सबसे कम जो अगर यहाँ का डाटा देखें तो नागपुर का है, नागपुर में 1,068.9। तो अगर आप देखें कि ये चीजें जो होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि हमारी धरती के लिए भी काफी हानिकारक है, हम सिर्फ अपना जीवन नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी का भी जीवन इसमें बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए सरकार तो काफी कुछ कर रही है, जैसे, और इसमें हम भी आगे बढ़कर सरकार का साथ दे सकते हैं। अगर आप कहीं देखते हैं, सबसे पहले तो इसका जो अवैज्ञानिक तरीके से इसकी डिकम्पोजिशन को हमें रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो कबाड़ी वालों को हम ये सामान बेच देते हैं वो नहीं करना चाहिए, और अगर बेचते भी है तो हमें ये पता करना चाहिए कि वो ये देता कहाँ पर है, और ये सब सामान आखिर में जाता कहाँ है डिकम्पोजिशन के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो अगर हमें अगर कहीं से भी सूचना मिलती है या फिर मुखबिरों से हमें पता लगता है कि एक ट्रक भरा जो सामान है ई वेस्टेज का कहाँ जा रहा है और कहाँ डिकम्पोज हो रहा है, ये हम अपनी सरकार या फिर अपने नजदीकी थाने पर जाके बताया जाए। और दूसरी बात ये
कि हम इसको मतलब अवैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले डिकम्पोज नहीं करें तो बढ़िया है, क्योंकि हमारी सरकार ने भी इसके लिए काफी कुछ किया हुआ है। क्योंकि अगर हम डिकम्पोज करते हैं अवैज्ञानिक तरीके से, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारे कई सारी गैसेस निकलती है, सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए काफी 5 चीजें ऐसी निकाली हैं जिनसे हम इन वेस्टेजेस को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो हम बताते हैं आपको कि वो 5 तरीके क्या हैं जिनसे जो सरकार है वो वैज्ञानिक तरीके से इन डिकम्पोजिशन को अंजाम देती है। सबसे पहला है सिक्योर्ड लैंडफिलिंग। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जितना भी ई वेस्ट होता है वो कहीं एक बंजर जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, जिसकी वजह से एक लैंडफिलिंग हो जाती है और जमीन भी काफी मजबूत हो जाती है वहां की। तो एक तो तरीका ये हो गया ई वेस्टेज को डिकम्पोज करने का। दूसरा है इनसेनरेशन। इनसेनरेशन मतलब उसको सबसे पहले मैं बता दूं कि एक छोटे से कमरे के अंदर, यानी कि एक बड़ा सा कमरा भी लिया जा सकता है, और उसको फुल्ली पैक कर दिया जाता है और उसके अंदर इसको पिघलाया जाता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं वो भी उस कमरे के अंदर सिमट के रह जाती है, और जो उसका पॉल्यूशन होता है, उसको जलाने से जो पॉल्यूशन होता है वो हमारे वातावरण में नहीं फैलता, या फैलता भी है तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तीसरा है रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक करके, जैसे अगर रेफ्रिजरेटर अगर आपका 10 साल हो गया है और आप दूसरा लेने की सोच रहे हैं, तो उसको आप, अब जैसे आपने मन बना ही लिया है तो आप तो बेचेंगे ही उसको, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको दोबारा 10 साल के लिए और यूज कर लेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको ठीक करवा के या तो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर किसी को भी रखने के लिए दे सकते हैं, या फिर बेच भी सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए। अब तीसरा क्या होता है, तीसरे के अंदर हम बात बताने जा रहे हैं एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ई वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मोबाइल फोन को ही ले लीजिए, मोबाइल फोन के अंदर काफी सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, इनको हम अपना उन पदार्थों से, इन उपकरणों से हम उनको अलग करके उनको जाके हम बेच सकते हैं, या फिर जो हमारा जो फालतू का वेस्ट है हम उसको अलग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम उन मेटल्स को और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक जो है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसका पांचवा और आखिरी तरीका जो है वो रीयूज। अगर वो उपकरण खराब हो चुका है तब तो उसको रिसाइकिल करवाने के अलावा उसका कोई वजह नहीं है, लेकिन अगर आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, अगर उसकी जो टाइम लिमिट है, उसकी यूजेज टाइम लिमिट को अगर आप और बढ़ा सकते हैं तो वो जरूर कीजिए, क्योंकि इन चीजों का इस तरीके से वेस्ट करना हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है। सिर्फ हमारी सरकार इसके लिए जो भी एक्शंस ले रही है वो काफी नहीं है, इसके लिए हमें साथ में, हमारी सरकार के साथ हाथ बढ़ाकर हमें इसका साथ देना होगा और ई वेस्टेज जो भी हमारे घर से निकलते हैं उनको कम करना होगा। तो मैं अभिराज, कैमरामैन अभिलाष के साथ लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज, दिल्ली तक, दिल्ली से।